तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज हम आपको बनाना बताते हैं पंजाबी स्टाइल में चिकन। आपने काफ़ी सारी डिशेस देखी होंगी चिकन की, पर जो आज मैं आपको डिश बतलाने वाला हूँ वो एकदम शानदार और लजीज है। और देखने में ही आप देख रहे होंगे कितनी शानदार ग्रेवी के साथ में ये पनीर चिकन जो है बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों देरी नहीं करते और शुरू करते हैं कि हम घर पे कैसे बना सकते हैं ये चिकन, वो भी बहुत शानदार पंजाबी स्टाइल में। तो दोस्तों यहाँ हमने एक किलो चिकन ले लिया है। एक किलो चिकन को दोस्तों हम सबसे पहले करेंगे मैरिनेट। मैरिनेट के लिए करना क्या है दोस्तों, आपको गाढ़ा दही ले लेना है, मीठा वाला दही ले लेना। यहाँ पर आपको खट्टा वाला दही नहीं लेना। एक से दो चम्मच हल्दी ले लेना, आपको हल्दी पाउडर ले लेना है। और नमक ले लेना है आपको, अगर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो सेंधा नमक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिसको हम फलारी नमक भी बोलते हैं। तो इसको हमको अच्छी तरीके से दोस्तों मैरिनेट करके कम से कम फिर भी नहीं तो आधे घंटे के लिए आपको रख देना। और ध्यान रखिएगा मैरिनेट करने से पहले चिकन में हल्के हल्के से आपको कट पीस ज़रूर लगा देना। फिर इसके बाद दोस्तों बारी आ गई है हमें अपनी ग्रेवी तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिया है सरसों का तेल। आप सरसों का तेल 2 से 2.5 चम्मच ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे साबुत मसाले लिए हैं। साबुत मसाले में हमने यहाँ पे काली मिर्च लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, बड़ी इलायची ली है, छोटी इलायची ली है, लौंग ली है और शाही जीरा लिया है। इसको आपको अच्छी तरीके से जब तेल आपका कड़क हो जाए ना तो उस तेल में आपको डाल देना है। और ध्यान रखिएगा जब तेल में आप ये सारी चीज़ें डाल देंगे ना तो कट कट की जो आवाज़ आती है ना, यानी कि आपके मसाले जो होते हैं वो फूटने लग जाते हैं। यहाँ पे हमने साबुत अदरक लिया हुआ, साबुत लहसुन लिया है, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद हमको ये पतली पतली जो हमने प्याज काट रखी है उस प्याज को इसमें डाल करके तब तक हमको फ्राई करना जब तक कि प्याज हमारी जो है ना थोड़ी सी पकी जैसी ना हो जाए, इसका कच्चापन जब तक के ना निकल जाए। थोड़ी देर आपको वेट करना है, 10 से 15 मिनट के बाद आपकी प्याज जो होगी एकदम सुनहरी सुनहरी रंग की हो जाएगी, यानी कि आपका मसाला जो है वो भुन करके तैयार हो गया। सिंपली आपको करना क्या है, मिक्सर ग्राइंडर ले लेना है। मिक्सर ग्राइंडर में दोस्तों आपको जो है जो आपने फ्राई किया हुआ इन मसालों को साबुत डाल करके अच्छा एक महीन यानी कि दरदरा हल्का सा दरदरा आपको पेस्ट इसका बना लेना है। तो चलिए हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने हमारा पेस्ट बन करके तैयार हो गया। एकदम बारीक आपको पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा आपको दरदरा आपको बना लेना। उसके बाद बारी आती है दोस्तों हमें आपने चिकन को ग्रेवी के साथ में लिप्ट करने की। तो चलिए हम सबसे पहले इसको बना लेते हैं कि हमें ग्रेवी बनाने के लिए करना क्या है। तो हमने पतीला ले लिया, आप यहाँ पर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पतीला में हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों के तेल में दोस्तों बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा बटर डाल दिया है क्योंकि हम बनाने वाले हैं पंजाबी स्टाइल में बटर चिकन। तो थोड़े से तेल में 1 से 2 चम्मच सरसों के तेल में हमने जो है अमूल का एक पूरा जो पीस आता है बटर का, वो बटर हमने इसमें डाल दिया है। बटर डालने के बाद दोस्तों देखेंगे आप थोड़ा सा इसमें झाग आ जाता है। और उसके बाद जो हमारे जो फूल होते हैं, जो हमारे खड़े मसाले के जो फूल बचे होते हैं, जैसे कि छबीला हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, तेज पत्ता हो गया, इन सबको डालने के बाद हमारा तेल फट जाता है। तेल फटने के बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, जो पेस्ट हमने दरदरा पीस करके रखा था उस दरदरे पेस्ट को आपको इसमें डाल देना और थोड़ी समय के लिए आपको हल्के हल्के मीडियम मीडियम आंच में गूंदना है। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा शानदार टेक्स्चर इसमें आ गया है। अब बारी आ गई है इसमें ग्रेवी बनाने की। आप उसको देख सकते हो बहुत ही शानदार लजीज टेक्स्चर आपको इसमें दिखने लग गया। उसके बाद दोस्तों जो आपने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना अपना चिकन को, पूरा का पूरा चिकन जो है सीधे सीधे इसमें आपको डाल देना। अलग से कोई भी चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपली आपका जो मसाला है उस मसाले में ही ये चिकन जो है फ्राई होने लग जाएगा। उसके बाद हमने इसमें कलर के लिए दोस्तों कश्मीरी लाल मिर्च ले रखी है और एक हमारी नॉर्मल मिर्च भी हमने इसमें ले रखी है, क्योंकि थोड़ा सा तीखापन अगर रहेगा ना तो सब्ज़ी बहुत ही शानदार बनती है। उसके बाद ये पिसे हुए हमारे हरे धनिया पाउडर है, वो डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों सिंपली इसको थोड़ा सा बफ जैसे होने देना है। थोड़ा सा दोस्तों आपको करना क्या है, इसमें पानी डाल देना और पानी डालने के बाद कुछ देर के लिए आपको पकने देना है, क्योंकि जो आपका चिकन है ना वो अभी पका हुआ नहीं है। और जब ये पक करके तैयार हो जाए, थोड़ी देर बाद जब पक करके तैयार हो जाए, तो हमको दोस्तों इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देना है। टमाटर आपको 2 से 3 बड़े टमाटर ले लेना, लाल टमाटर ले लेना और पके हुए टमाटर आपको लेना, कच्चे टमाटर नहीं लेना। उसको डालने के बाद जब आपका चिकन हल्का सा पक जाए उसके बाद आपको ये टमाटर की प्यूरी इसमें डाल देनी। डालने के बाद थोड़ा सा इसको आपको चला देना है और 10 से 15 मिनट के लिए फिर आपको जो है इसको ढक करके रखना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका चिकन जो है ना पूरी तरीके से मसाले में एकदम अच्छी तरीके से लिप्त हो गया है। थोड़ी देर के लिए ढकने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये चिकन जो है अच्छी तरीके से तेल है और जो हमने बटर डाला है वो बटर और तेल हमारा जो है ऊपर आ गया है।
यानी कि हमारा चिकन जो है अब पक करके तैयार हो गया, यानी कि अब बारी आ गई है इसकी, इसको सर्व करने की और इसका स्वाद लेने की। देखिए, जब आपका चिकन बन करके अच्छी तरीके से तैयार हो जाए ना, तो मैं एक और सीक्रेट टिप आपको बतलाता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, जब आपका चिकन बन करके तैयार हो जाए, चिकन जब है हड्डियाँ छोड़ दें, यानी कि आपका चिकन जो है अंदर से पक गया, देखिए हड्डी छोड़ दी, उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, थोड़ा सा पानी और डालना है जिससे ग्रेवी जो है ना अच्छी तरीके से हो जाए और उसका जो टेक्सचर है वो खिल करके आ जाए, यानी कि जो इनका जो तेल और बटर आपने डाला ना वो ऊपर आ जाए। फिर दोस्तों थोड़ी देर में आपको जो है इसमें थोड़ा सा और बटर आपको इसमें मिला देना, और उसके बाद दोस्तों हरी मिर्च आपको डाल देना, धनिया पाउडर डाल देना, और जो आपका गरम मसाला पाउडर है जो खाने के बाद डलता है, वो गरम मसाला पाउडर आपको इसमें डाल देना। उसके बाद सिंपली आपको चला देना, और चलाने के बाद थोड़ी देर के लिए आप इसको ढक करके रख सकते। कस्तूरी मेथी को भी आप अच्छी तरीके से क्रश करके इसमें डाल देंगे तो और भी लजीज टेस्ट इसमें आ जाता है। अब थोड़ी देर के लिए आपको इसको ढक करके रखना, और ये देखिए आपकी ग्रेवी कितनी शानदार तरीके से बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए कितना लजीज आपका जो है चिकन इसमें देखने को आपको मिल रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप चिकन जो है पंजाबी स्टाइल में बटर चिकन बना करके तैयार हो जाएगा। आपको थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देना है, मुश्किल से 5 से 6 मिनट के लिए आपको ढक करके रख देना है। उसके बाद दोस्तों सर्व करने की बारी आ गई है। देखिए कितना शानदार तरीके से हमारा हरा धनिया के साथ में कितनी शानदार ग्रेवी बन करके तैयार हो गई। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।